क्योंकि ये प्रजाति एक साथ पक करके तैयार हो जाती है और इसमें सिंक्रोनस मैच्योरिटी है, तो इसलिए हम ये ध्यान दें कि हमारी जो फसल है उसमें जब 75 से 80% फलियाँ पक करके तैयार हो गई हों तो उन्हें एक साथ फसल को पूरी एक साथ काट लिया जाए। काटने के बाद फसल को सूखने के लिए खेत में ही अथवा पक्के फर्श पर छोड़ दिया जाए और उसके बाद इसकी कटाई तथा मड़ाई कर ली जाए। फसल का जो दाना है अगर उसमें नमी 12% से कम आ गया है तो वह स्टोर करने के लिए, भंडारण करने के लिए सुरक्षित है। इस प्रकार से हम उसे धूप में सुखा करके रखें ताकि उसकी नमी जो है वो डिजायर्ड लेवल पे आ जाए और साफ सुथरे कंटेनर में रखकर के फसल का भंडारण करें। धन्यवाद।